जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर गाजीपुर समन्वय समिति की आज यहाँ पर रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई गई है और बैठक में यही निर्णय हुआ है कि 3 दिवसीय जो कार्य बहिष्कार हमारा है, आज दूसरा दिन है और सरकार की हठधर्मिता है कि हमारी मांगों पर तनिक भी अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। पहले मैं तमाम जनमानस को, मीडिया को, जनता को, जो लोग भी हमारा ये वीडियो देखेंगे, उनको बताना चाहते हैं कि हमारी 3 सूत्रीय मांगे क्या हैं और वो हमारी जो मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कि हमारी जो योग्यता है, शैक्षिक योग्यता स्नातक लेवल की जाए और कंप्यूटर का ओ लेवल हो। उसके बाद हमारी जो दूसरी मांग है कि हमारा जो मानदेय है वो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए और 29,200 किया जाए 7 पे कमीशन में, जो इसका मैट्रिक्स है। और जो तीसरी मांग है कि 16 साल और 26 साल पे जो हमारा प्रोन्नत वेतन मान है उसको बहाल किया जाए। बड़ी सिंपल सी 3 मांगे हैं हमारी, शासन इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है और इसी क्रम में हमारा कल का जो कार्य बहिष्कार था बहुत ही सफल रहा। आज भी विकास खंडों में ताले लगे हुए हैं, कहीं कोई सचिव कार्य नहीं कर रहा है। हमें बड़ा दुख है कि फरियादी आकर के और विकास खंडों से वापस चले जा रहे हैं, हमें इस बात का बहुत खेद है। और इसी क्रम में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल की रणनीति हमको बनानी है। कल की रणनीति के लिए हम लोगों ने विकास भवन के पास जो RTI हॉल है उसमें हम लोगों ने एक आवश्यक बैठक के लिए बुलाया है सबको और उसमें हमारे परिषद के अध्यक्ष जी भी हैं, इनका भी सहयोग लिया जा रहा है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे समर्थन में परिषद के अध्यक्ष श्री अंबिका दुबे जी अब 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति की प्रदेश में अनोखी और अनुपम नेता को मैं सलाम करता हूँ, उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम करता हूँ और गाजीपुर जनपद के समस्त उच्च स्तरीय जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों को से निवेदन करता हूँ कि हमारे आंदोलन को नैतिक अपना समर्थन दें, इसलिए कि लड़ते हम हैं, वेतन उनका भी बढ़ता है। और जनपद के अपने अधिकारियों से कहना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से चेतावनी दे देना चाहते हैं कि यदि इस कार्य बहिष्कार में शामिल किसी भी हमारे कर्मचारी के खिलाफ कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई होगी तो हम गाजीपुर जनपद के सारे राजकीय कार्यालयों के कार्य ठप करवा देंगे। आपके आंदोलन को राज्य कर्मचारी संघ परिषद का संपूर्ण समर्थन दे रहे हैं और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी जनपद के सारे कार्यालयों को लोग आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।